नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग कनेक्शन पर, जहां हम सीख रहे पंजाबी भाषा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से। दोस्तों, पंजाबी में बात करना सीखे सीरीज का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम पंजाबी में एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मन दा डर। ये कहानी पंजाबी में है, इसको मैं पढ़ूंगी और साथ में इसकी हिंदी समझाऊंगी। इससे ये फायदा होगा कि हमें सेंटेंसेस मिलेंगे, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो पंजाबी में के डेली रूटीन में बोलचाल की भाषा में यूज की जाती है। हम उन शब्दों से, उन वर्ड्स से खुद के न्यू सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और डेली बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी पंजाबी भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। मन दा डर, कहानी का शीर्षक है मन दा डर। यहाँ पे दा का अर्थ है का। कहीं भी पंजाबी में बोलना हो का, तो उसके लिए बोलेंगे दा। का के लिए हमेशा दा का इस्तेमाल होता है पंजाबी में। कहीं भी बोलना हो इसका उसका, तो बोलेंगे इस दा उस दा। ठीक है, मेरा साडा तेरा तुहाडा, तरह रा की जगह दा की जगह का। इसने इसके इस दे इसके, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये ट्रिक है पंजाबी वाला, जो बिगिनर होते हैं पंजाबी बोलने में उनके लिए। सबसे पहली लाइन है रात दा समासी। रात दा समासी यानी कि रात का समय था। समा मीन्स समय, यहाँ पे समा मीन्स समय, सी मतलब था। रात दा समासी रात का समय था। बालक मोहनदास कमरे विच विच मतलब में, कहीं भी लिखा हो विच उसने कहना में, तो हिंदी में समझना है में। कल्ला पढ़ रिया सी बालक मोहन कमरे विच, कल्ला पढ़ रिया सी बालक मोहनदास कमरे में, कल्ला मीन्स अकेला, पढ़ रहा था, रिया सी रहा था। बार तेज हवा चल रही थी, बाहर तेज हवा चल रही थी। सी मीन्स थी, कहीं भी हो आ थी बोलेंगे उसके लिए सी। एक वचन के लिए सी और बहुवचन हो तो वहां बोलेंगे सन। आ थे के लिए सी ही बोला जाएगा, वो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए। अगे हवा नाल कमरे दी लालटेन बुझ गई। हवा से क्या हुआ, अकेला मोहनदास अकेले कमरे में पढ़ रहा था, बाहर से तेज हवा चल रही थी, और हवा से क्या हुआ, लालटेन बुझ गई। हवा नाल, हवा से या हवा के साथ कमरे दी लालटेन बुझ गई। हवा से कमरे की लालटेन बुझ गई। मोहनदास ने इधर उधर देखा। मोहनदास ने इधर उधर मतलब इधर उधर देखा। उसनू हनेरे विच कुछ चमकदा दिखाई दिता। उसे अंधेरे में कुछ चमकता दिखाई दिया। उसनू इस तरह लग गया कि खिड़की कोल कोई खड़ा है। उसनू इसनू मोहनदास नू इस तरह लगा, मोहनदास को ऐसा लगा कि खिड़की कोल, खिड़की के पास कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। मोहनदास ने डर के चीख मारी। मोहनदास ने डर के चीख मारी मतलब कि चिल्लाया, भूत 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 भूत। भूत को पंजाबी में कहेंगे भूत। भ पब्बा पालू, भ नहीं होता है पंजाबी में, पब्बा पालू, उसको प से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं भूत। भूत पूरा भूत नहीं बोलना, भूत 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 भूत। वो कमरे विच्चों, कमरे से विच्चों, कमरे से ध्यान रखना विच्चों, कहीं भी बोलना हो पानी में से पानी विच्चों, कमरे विच्चों। इस तरह से कोई भी चीज किसी चीज के अंदर से बाहर निकालने की बात हो तो विच्चों बोलेंगे, विच्चों। दोबारा, बाहर वल पज्या, वो कमरे विच्चों बाहर वल पज्या, वह कमरे में से बाहर की तरफ पज्या, बाहर वल बाहर की तरफ पज्या, भागा घर की तरफ, भागा घर वल पज्या, खिड़की की तरफ भागा खिड़की वल पज्या। इस तरह हम खुद से भी सेंटेंसेस इससे रिलेट करके क्रिएट कर सकते हैं, अपने डेली भाषा में यूज कर सकते हैं। मोहनदास नु बरांडे विच घर दी नौकरानी रंभा मिल पई। मिल पई मिल गई, किसी को बोलना हो मिल गया, मिल पया, मिल गई। ठीक है, मोहनदास को बरांडे विच घर की नौकरानी मिल पई। मोहनदास को बरांडे में घर की नौकरानी मिल गई। उसने पूछा,
मोहन की गल है, फूफा जी क्यों रिहा है? उसने किसने पूछा? ब्रह्मा ने, जो घर की नौकरानी थी उसने पूछा कि मोहन की गल है, मोहन क्या बात है, फूफा जी क्यों रिहा है, तू भाग क्यों रहा है, तू भाग क्यों रहा है? ब्रह्मा माई पूत उसने दस्या, किसने? मोहनदास ने, उसने मोहनदास ने दस्या ब्रह्मा माई पूत। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी बताया गया है, ये नौकरानी है रंभा और मोहनदास। रंभा हसन लग पई, रंभा हंसने लगी, मोहन चल मेरे नाल तुर। तुर मतलब चल, तुरना मतलब चलना, किसी को बोलना हो तुर चलो तो बोलो चलो, तुरो तुरो चलो, ठीक है। रंभा हंसन लग पई, मोहन मेरे नाल चल। रंभा हंसने लगी, मोहन मेरे साथ चल। दोवें कमरे विच आ गए, दोवें कमरे विच आ गए। रंभा ने लालटेन जगाई, रंभा ने लालटेन जगाई, जगाई मतलब जलाई। मोहन दिखा किथे है भूत, मोहन दिखा किथे है भूत, मोहन दिखा कहाँ पर है भूत, किथे है कहाँ है। आप घर में भी कोई चीज अगर ढूंढनी हो तो पूछते हैं ना कहाँ पर पड़ी है, तो पूछ सकते हैं आसमान किथे है, दसो आसमान किथे है, ठीक है। कमरे विच बिल्ली बैठी सी, कमरे विच कौन बैठा सी? बिल्ली बैठी सी, कमरे में बिल्ली बैठी थी। तब एक वचन कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, थी था के लिए हम इस बोलेंगे थी पंजाबी में। चमकती हुई चीज बिल्ली दिया अखा ही सन, जो मोहन ने देखा था कमरे में चमकती हुई चीज अंधेरे में जो उसको दिखी थी वो क्या था? बिल्ली की आंखें ही थी। चमकती हुई चीज बिल्ली की आंखें ही थी। अब देखो यहाँ पे दी की जगह पर ना दिया, बहुवचन है ना, बिल्ली दिया, बिल्ली की आंखें थी, आंखें थी की जगह क्या आ जाएगा? सन। थी बहुवचन में आया तो सन बन गया, सी बहुवचन में बन गया सन और दी बन गया दिया, ठीक है। ये बहुवचन में दी के लिए हो जाएगा दिया और सी के लिए हो जाएगा सन, इस चीज को आप नोटिस करेंगे। रंभा ने बिल्ली ने उठो बजा दी, रंभा ने बिल्ली को वहां से भगा दिया, उत्थो मतलब वहां से भगा देता, भगा दिया, उत्थे भगा दिता, कहीं भी लिखा दिता तो बोलेंगे दिया, भगा दिया, भगा दिता, भजा दिता। उत्थे खिड़की कोल कपड़े टंगे हुए सन, वहां पर खिड़की के पास कपड़े टंगे हुए थे सन, कपड़े टंगे हुए थे, हनेरे विच कपड़े हिल रहे थे, हनेरे विच कपड़े हिल रहे थे, अंधेरे मतलब अंधेरे में कपड़े हिल रहे थे, विच मतलब में, अंधेरे अंधेरे मतलब अंधेरे, विच में कपड़े हिल रहे सन थे, अंधेरे में कपड़े हिल रहे थे। इस तरह लगदा सी जिवें कोई आदमी खड़ा होवे, इस तरह लग रहा था जैसे कोई आदमी खड़ा हो। रंभा ने कपड़े पड़ा रख दिए, रंभा ने कपड़े साइड में रख दिए, दूर वहां से साइड में हटाकर रख दिए, हटाकर रख दिया, पड़ा मतलब वहां से दूर या हटा देना, वहां से दूर हटा देना, पड़ा रख देना मतलब दूर हटा देना, पड़ा मतलब दूर, याद रखना हमेशा, कहीं भी लिखा हो पड़ा हट, कहते हैं ना पड़ा हट, पास से हट मतलब साइड हो जा, दूर हट जा, यहाँ से थोड़ा बगल हो जा, उसको तो बोलेंगे पड़ा। रंभा बोली मोहन ले भज गए भूत, रंभा बोली मोहन लो भाग गए भूत, भज गए भाग गए, यहाँ पे भज गए को बोलेंगे भाग गए, लो ले लो हिंदी में बोलते ना लो भाग गए भूत, ले भज गए भूत, ठीक है। मोहनदास नु पता लग गया कि किधरे कोई भूत नहीं हुंदा, भूत मन दा डर हुंदा है। मोहनदास को पता लग गया कि लग गया, पता लग गया, गया मतलब पता लग गया कि किधरे कोई भूत नहीं हुंदा, कहीं कोई भूत नहीं होता, हुंदा होता, भूत मन दा डर हुंदा है, भूत मन का डर होता है। बच्चों बच्चों कि तुसी जानते हो कि यह बालक कौन सी, क्या आप जानते हो कि यह बालक कौन थे? इस तरह क्वेश्चन घर में किसी से पूछना हो, क्या आप जानते हो ये मान कहाँ पे है, क्या आप जानते हो इस काम को, क्या आप इस बात को जानते हो, क्या आप जानते हो कोई बात बतानी हो, इस तरह आप घर में भी क्वेश्चनिंग करके आप अपनी पंजाबी की कन्वर्सेशन बोलने की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। इस बालक का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी सी, इस बालक का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, इस बालक नूं हुण असीं महात्मा गांधी दे नाम नाल जानते हाँ, इस बालक नूं हुण असीं, इस बालक को अब हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं।
इस तरह आज हमने पंजाबी में एक कहानी पढ़ा जिसका नाम है मन का डर। मन दा डर शीर्षक कहानी हमने पंजाबी में पढ़ी, जिसको हमने हिंदी में समझा, और इससे हमने कई ऐसे नए शब्द सीखे जो हम डेली भाषा के में प्रयोग करके पंजाबी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं सारी कहानी को सिर्फ पंजाबी में पढ़ूंगी, हर लाइन को मैं 2 बार रिपीट करूंगी ताकि आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर सके पढ़ने। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जो पंजाबी भाषा हिंदी से पंजाबी में पढ़ना, लिखना, बोलना और सीखना चाहते हैं। रात दा समासी, रात दा समासी, बालक मोहनदास कमरे विच कल्ला पढ़ रहा सी। बालक मोहनदास कमरे विच कल्ला पढ़ रहा सी। बाहर तेज हवा चल रही सी, बाहर तेज हवा चल रही सी। हवा नाल कमरे दी लालटेन बुझ गई, हवा नाल कमरे दी लालटेन बुझ गई। मोहनदास ने इधर उधर देखा, मोहनदास ने इधर उधर देखा, उस नू हनेरे विच कुछ चमकदा दिखाई दिता, उस नू हनेरे विच कुछ चमकदा दिखाई दिता। उस नू इस तरह लग्या कि खिड़की कोल कोई खड़ा है, उस नू इस तरह लग्या कि खिड़की कोल कोई खड़ा है। मोहनदास ने डर के चीक मारी, मोहनदास ने डर के चीक मारी, भूत 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 भूत। वह कमरे विच्चों बार वल भज्या, वह कमरे विच्चों बार वल भज्या। मोहनदास नू बरांडे विच घर दी नौकरानी रंभा मिल पई, मोहनदास नू बरांडे विच घर दी नौकरानी रंभा मिल पई। उसने पूछा, मोहन की गल है, तू भज क्यों रहा है? उसने पूछा, मोहन की गल है, तू भज क्यों रहा है? रंभा माई भूत उसने दस्या, रंभा माई भूत उसने दस्या। रंभा हसन लग पई, मोहन चल मेरे नाल तुर। रंभा हसन लग पई, मोहन चल मेरे नाल तुर। दोवे कमरे विच आ गए, दोवे कमरे विच आ गए। रंभा ने लालटेन जगाई, रंभा ने लालटेन जगाई। मोहन दिखा किथे है भूत, मोहन दिखा किथे है भूत। कमरे विच बिल्ली बैठी सी, कमरे विच बिल्ली बैठी सी। चमकदी हुई चीज बिल्ली दिया अखां ही सन, चमकदी हुई चीज बिल्ली दिया अखां ही सन। रंभा ने बिल्ली नू उत्थों भजा दिता, रंभा ने बिल्ली नू उत्थों भजा दिता। उत्थे खिड़की कोल कपड़े टंगे हुए सन, उत्थे खिड़की कोल कपड़े टंगे हुए सन। हनेरे विच कपड़े हिल रहे सन, हनेरे विच कपड़े हिल रहे सन। इस तरह लगदा सी, इस तरह लगदा सी जिवें कोई आदमी खड़ा होवे, जिवें कोई आदमी खड़ा होवे। रंभा ने कपड़े पड़ा रख दिते, रंभा ने कपड़े पड़ा रख दिते। रंभा बोली, मोहन लै भज गया भूत। रंभा बोली, मोहन लै भज गए भूत। मोहनदास नू पता लग गया कि किधरे कोई भूत नहीं हुंदा, मोहनदास नू पता लग गया कि किधरे कोई भूत नहीं हुंदा। भूत मन दा डर हुंदा है, भूत मन दा डर हुंदा है। बच्चियो कि तुसी जानदे हो ए बालक कौन सी, बच्चियो कि तुसी जानदे हो ए बालक कौन सी। इस बालक दा पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी सी, इस बालक दा पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी सी। इस बालक नू हुण असी महात्मा गांधी दे नाम नाल जानदे हाँ, इस बालक नू हुण असी महात्मा गांधी दे नाम नाल जानदे हाँ। इस तरह अज असी ने मन दा डर पाठ पढ़े है, जिस विच आ प्रश्न उत्तर हन। तुसी चाहो तां इन्हां दे स्क्रीनशॉट लै के इन्हां नू तुसी हल कर सकते हो, जिस नाल तुहाडी अपनी सोच समर्था भी वधेगी ते पंजाबी भाषा नू होर चंगी तरह समझण विच सहायता मिलेगा। एक बार फिर तुहानू मैं रिक्वेस्ट करेंगी, जेकर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक करो, चैनल नू सबसक्राइब करो, तो खुद वध तो वध अपने दोस्तों नू शेयर करो जो कि पंजाबी भाषा पढ़ना लिखना सीखना चाहुंदे हन। मिलते हैं अगले वीडियो विच, अपना ख्याल रखना, सत
धन्यवाद।